ट्राई करूं, इतने ज्यादा हैवी है। एक हाथ की उंगलियों में गिन सकते हो इतने महीने बचे। दिख गया, थोड़ा दिख गया। नहीं, देखा, शो मी। और वो मैदु क्या चल रहा है? नीचे भी है, ऊपर भी है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। Hey guys, welcome back to our channel, The Kind Travelers. जैसे कि आप देख सकते हैं, आज करण है किचन में and करण बना रहा है ब्रेकफास्ट। Yes, ब्रेकफास्ट बन रहा है, ब्रेड ऑमलेट बन रहा है। देखो देखो स्टाइल देखो, वाह, एकदम प्रोफेशनल। तो क्योंकि आज करण ने डिसाइड किया कि वो बनाएगा एंड मैं खाऊंगी, तो लेट्स सी कैसे बनाता है। जनरली बहुत अच्छा बनाता है, इसका कुछ स्टाइल अलग होता है। कभी कभी ब्रेड भी ऑमलेट के अंदर डाल के देता है। आज पता नहीं कैसे बनाएगा, उसके मूड पे डिपेंड करता है, राइट? मैं इतना ज्यादा बटर नहीं खाऊंगी। सामने वाले को जो इतना सारा बटर कर, उतना सारा नहीं है वो, देख वो अभी पूरा पूरा मेल्ट हो जाएगा। करण इतना बटर मामा फिट में दू, इतना बटर नहीं है वो। अरे यार ठीक है, चलो कोई नहीं। जब ऐसे सब चीजें होती है ना तभी नहीं होता, वीडियो बनता है तभी। नॉर्मल टाइम पे हो जाता है ये। और वो चिपका नहीं वो टॉम एंड जेरी में होता था ना, ऊपर चिप सीलिंग में चिपक जाता था। तो अच्छे से बना रहा है, देखो फुल फोल्ड भी तवे पे ही कर रहा है करण, हो जाता बहुत इजी। और यहाँ पे सर्व किया प्यार से, प्यार से। और यहाँ पे अच्छे से ब्रेड धो लेंगे। यस, और इसको गर्म कर। दो ही ब्रेड काफी है मेरे लिए। यस मैम, पता है मुझे। और दो ब्रेड मेरे लिए भी काफी है। इतना अच्छा ऑमलेट बनाना कहाँ से सीखा? मेरा पहले गाड़ी था कहाँ पे था गाड़ी? मुंबई में था, कोलकाता में था, कहाँ था? दोनों जगह पे था। हमारा पहले बहुत धंधा था तो धंधा क्यों बच गया लॉकडाउन के बाद सब चलो कोई नहीं, अच्छा एटलीस्ट सीख तो गए मस्त। गाड़ी के वैसे आज खाएंगे, फिर पूरा रेडी होने के बाद एक बार प्लेट का भी आपको दिखा देंगे। करण का, सॉरी जब मैं करण को ले रही हूँ तो मेरा मुंडी कट रहा है, मेरा फेस कट रहा है। जब मैं मेरा फेस ले रही हूँ तो करण, हाँ आप भी दिखा सकते हैं कब पिक्चर। फिर फोटो ले लो मॉर्निंग आ गया ना। ओके चलो, ये आपकी प्लेट। जाइए खाइए मजे कीजिए। थैंक यू सो मच, वेलकम सो मच। और ये कान की भी प्लेट रेडी है। yes, मेरी भी रेडी। और मेरा भाई अभी वर्कआउट कर रहा है हॉल में, उसका होने के बाद वो खाएगा और उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड अंडा तोड़ दो, पर हो जाना चाहिए सब्सक्राइब। ब्रेकफास्ट हो गया और मैं हो गया रेडी, बट आपकी वैदु अब तक रेडी नहीं हुई है। As usual. अभी तक रेडी नहीं हुआ है बाहर जाना, और सनस्क्रीन कौन लगाएगा? Yes. लगा ले वरना जल जाएगा अपने ऑमलेट की तरह जला के दिया। क्या झूठ बोलती गाइस, मैंने ऑमलेट बिल्कुल नहीं जला था। जब भी मैं बाहर जाता हूँ आई ऑलवेज अप्लाई माय मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन, और उसके बाद ही मैं बाहर निकलता हूँ। आपको इसके एडवांटेजेस बताता हूँ तब आपको समझेगा। तो चलिए मैं अपनी सनस्क्रीन लगा कर लेता हूँ, और तब तक मैं रेडी हो क्या। गाइस जब आप सनस्क्रीन लगाते हो तो क्या आपकी भी सनस्क्रीन बहुत हैवी और ग्रीजी लगती है, और लगाने के बाद ऐसे चिप चिप होता है और वाइट वाइट फेस हो जाता है? सो डोंट वरी, मामा अर्थ हैज़ गॉट यू कवर्ड। प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन डैमेज एंड गेट योर डेली ग्लो अप विद मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। इट हैज़ SPF 50 एंड PA++। इट गिव्स गुड सन प्रोटेक्शन टू योर स्किन, कोई वाइट मार्क्स नहीं छोड़ता। विटामिन सी भी है विच हेल्प्स ब्राइटन योर स्किन एंड शील्ड्स इट फ्रॉम द यूवी रेज। टर्मरिक है विच हील्स डैमेज स्किन, रिवाइव्स नेचुरल ग्लो ऑफ योर स्किन। और ये बहुत लाइट वेट और नॉन स्टिकी है। ऑल्सो मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन इज मेड सेफ सर्टिफाइड।
मतलब नो टॉक्सिन्स एंड नो हार्मफुल केमिकल्स। रेडी तो हुई नहीं लेकिन मेरे हाथ से सनस्क्रीन लगवा के ले लिया। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है धूप में जा रहे हो तो। एंड ऑल्सो गाइज डोंट फॉरगेट टू यूज आवर कोड काइंड 2023 टू गेट डिस्काउंट 20% डिस्काउंट ऑन मामा अर्थ ऐप एंड वेबसाइट। इसके अलावा मामा अर्थ के पास दो और सनस्क्रीन है, वन इज अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन एंड द अदर इज राइस सनस्क्रीन जेल। इनका भी टेक्सचर बहुत बढ़िया है, दोनों SPF 50 PA ट्रिपल प्लस है, तो सोचा क्यों ना आपको इनका भी टेक्सचर दिखाया जाए। फाइनली निकल गए, वैदू हो गई रेडी, तो चलो चलते हैं। हम लोग आ गए, ये रहा कैफे और ये जुहू में है, तो हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। क्रीना ने सजेस्ट किया, क्रीना भाग रही है, इसने सजेस्ट किया ये कैफे। और मेरा भाई कार पार्क कर रहा है, करण वहाँ पे वेव कर रहा है। और यहाँ पे देखो जुहू बोला बोट भी है, किसी ने अगर आपको बोट लेके जा रही है तो बोट भी लेके जा सकते हो। जाएगा क्या करण बोट पर? ₹10 और ये रहा पार्क करते हुए। बस करना अपना पूरा टाइम तो क्रीना एक्साइटेड हो। क्रीना कितनी, तो क्रीना ना बहुत शर्माती है कैमरा से, तो वो बहुत हंस रही है। वो घर दिखाओ, छोटू सा बहुत पुराना घर है किसी का तो। एंड यहाँ पे दो दो कैफे आमने सामने, पर हम लोग ये वाले कैफे जा रहे हैं। और ये कैफे ठीक है, तो चलो चलते फिर अंदर। कुछ ऐसा लगता है कैफे, नीचे भी है ऊपर भी है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे, फिलहाल हम लोग अंदर बैठे हुए हैं। एंड दिस इज आवर टेबल राइट नाउ। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? कैसे लग रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुंबई है। यार दैट प्लेस इज गुड, दैट टेबल इज फॉर बिगिनर्स, लुक्स गुड। The overall vibe is good, right? Looks good. I would need that table. That table is good. So, जैसे ही हमारा लंच हो गया, हम लोग आ गए यहाँ पे शॉपिंग करने करण के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेंस कलेक्शन है, काफ़ी ब्राइट कलर्स है, बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस है। एंड ये रहा सीक्वेंस वाला कुर्ता भी, जो बहुत प्यारा है। तो सोचा क्यों ना कुछ डिज़ाइंस करण के लिए सेलेक्ट करें और करण को बोलो प्लीज़ ट्राई करके आ। तो चलो करण का वेट करते हैं जब तक वो ट्राई करके आ रहा है। 1, 2, 3 and here comes Karan. वाह कितना स्मार्ट लग रहा है। देखा, show me. I think ये थोड़ा बड़ा है क्या? मतलब थोड़ा loose है, fitting I don't know. Okay, जब तक करण try कर रहा था मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यहाँ वहाँ थोड़ा नज़र घुमा लूँ और देख लूँ लड़कियों के लिए क्या क्या collection है। तो देख सकते हो यहाँ पे सेल भी है, बहुत ही प्रिटी कैंडी कलर्स है। इसका वर्क ओ माय गॉड वेरी ब्यूटीफुल, बट बहुत हैवी है। आई डोंट नो मैं कैसे ही कैरी करूँगी मेरे बिग डे पर, बट या आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर माय शॉपिंग। देखते हैं क्या पसंद आता है। फाइनली करण ने कुछ पसंद कर लिया है, तो चलो बिल करते हैं। क्या लगता है गाइस, यहाँ पर वैदू को देखकर, उसके हाथ में कार्ड देखकर और सामने रणवीर सिंह को उस शेरवानी में देखकर क्या लग रहा है? राणा व्हाट नंबर डिड यू गिव, चेंज द नंबर? नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, चल जाएगा। हाँ इट्स फाइन। फाइनली करण के चेहरे पे खुशी देखो, ये अंकल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसको कैसा करना है। कैसा लग रहा है? करण शर्मा रहा है, हंस रहा है, मिक्स फीलिंग्स है। तो कोई नहीं, चलो देखते हैं और आगे क्या क्या कर सकता है। कितने प्यारे कलर्स है यहाँ पे, नीचे सब कुछ कलरफुल है, ऊपर थोड़ा पेस्टल था। आप देख सकते हो पर्पल कलर भी इतना प्यारा लग रहा है। वैदू की चॉइस ना भाई साहब बहुत क्लासिक और बहुत यूनिक है, और ये एक बहुत अमेजिंग पीस था जो उसको अच्छा लग रहा था। वैदू
क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हाँ, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ बोल ना वैदू, कहाँ पे? यू वांट टू चेक देन चेक। Ah, the work is also good. कुछ अलग है, कुछ अलग है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ब्लू भी। ब्लू नहीं है, ग्रीन नहीं है। फिर स्किन पे सूट कर रहा है। हाँ मस्त लग रहा है। हम लोग ने कुछ फाइनल कर लिया है तो उसी का बिल करने जा रहे हैं। क्या लिया है, किसके लिए लिया है, वो अभी नहीं बताएंगे, फाइनल डे आपको पता चलेगा। सो यू हैव टू स्टे ऑन द ब्लॉग जब हमारा बिग डे होगा, जब हम लोग पहन के आएंगे। दैट यू गेट नो कि हम लोग ने क्या लिया। थोड़ी सी झलक दिखाना है क्या? नहीं, अभी हाय। ओके, कहाँ पर है ये? दिख गया, थोड़ा दिख गया। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसे मत करो गाइस, अब भी दिखा देंगे तो क्या मजा आएगा। बट इतना ही कि आपको देखने मिलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ऑन द ब्लॉग। ओके, ऑलराइट गाइस, हम लोग निकल गए हैं शॉपिंग करके और बस ये ब्लॉग यहीं तक का था। ऐसे और ब्लॉग्स आते रहेंगे जहाँ पे हम लोग भर भर के शॉपिंग कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। किस चीज की शॉपिंग कर रहे हैं बता दो, क्या छुपा रहे हैं? बिग डे जो सबकी लाइफ में आता है एक बार, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। मैं बताता हूं आपको, बस कुछ महीने ही बचे, कुछ महीने बचे, बस कुछ महीने, इसलिए हमारी शॉपिंग अभी से स्टार्ट हुई है। और एक हाथ की उंगलियों में गिन सकते हो इतने महीने बचे। हाँ, एक हाथ की उंगली में गिन सकते हो इतने महीने बचे, मतलब 6 मंथ भी नहीं है। तो बस स्टे ट्यून, ऐसी प्यारी प्यारी ब्लॉग्स आते रहेंगे। 6 मंथ उसके लिए होंगे, ऋतिक रोशन के पास 6 उंगली है तो वो बोले छह भाई, छह उंगली, छह बट बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। थोड़ा सा इतना देर सबर किया है गाइस, और थोड़ा सा और सबर कर लो। पीछे आपको दिख रहा है शॉप, दिख रहा है, तो बस ऐसे ही सब शॉप्स पे जा रहे हैं हम लोग। ट्रेडिशनल कुछ वेस्टर्न नहीं खरीद रहे आजकल, सब ट्रेडिशनल हो रहा है। और वैदू ने मुझे कुछ खरीद के दिया है जो मैं पहनने वाला हूँ मेरे बिग डे पर। तो क्या है ना, तो ऐसा क्या है ना कि अगर हमने अभी सारी चीज़ें रिव्यू कर दी है तो आपको फाइनल लुक देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून और आगे बढ़ते रहेंगे और आगे मिलते रहेंगे। ऑलराइट, सी यू गाइस, सी यू, बाय। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया गाइज, मामा अर्थ में अगर आप वेबसाइट में कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो दैट ऑर्डर इज लिंक टू अ ट्री। मामा अर्थ इज गोइंग टू प्लांट 1 million ट्रीज बाय 2025, सो गो बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव। मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट, बट इसके अलावा आपके नजदीकी स्टोर में भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। सो जाइए देखिए, एंड अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है तो जरूर कॉमेंट करके बताना कि हाँ करण, हमने देख लिया था। सो दैट्स इट, बाय बाय।